बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोस्ट रिपीटेड इस्लामिक स्टडी क्वेश्चंस पार्ट नंबर 2। नेम द मेंबर ऑफ असाबे सुफा हु हैड नरेटेड मैक्सिमम अहदीस। असाबे सुफा के रुकन का नाम बताएं जिसने सबसे ज्यादा अहदीस रवायत की। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हा। हाउ मेनी फर्ज आर देयर इन वुजू। वुजू में कितने फर्ज हैं। 4 4 ए पर्सन हु परफॉर्म्स प्रेयर अलोन इज कॉल्ड। अकेले नमाज पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। मुनफरिद। अकेले नमाज पढ़ने वाले को मुनफरिद कहा जाता है। डैश इज द पर्सन हु कम्स आफ्टर वन रक। वो शख्स जो नमाज की एक रक के बाद नमाज में शामिल होता है उससे क्या कहा जाता है। मुसबाक। मुसबाक वो शख्स जो नमाज की एक रकत के बाद नमाज में शामिल होता है उसे मुसबाक कहा जाता है। डैश इज़ द पर्सन हु स्टार्ट्स प्रेयर विद इमाम। वो शख्स जो इमाम की तकबीर के साथ नमाज शुरू करता है उसे क्या कहा जाता है। मुदरक। मुदरक वो शख्स जो इमाम के साथ नमाज शुरू करता है उस इमाम के साथ तकबीर उला में नमाज में शामिल होता है उसे मुदरक कहा जाता है। द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ज़कात इज़ कॉल्ड। ज़कात की मखसूस मकदार को क्या कहा जाता है। निसाब। ज़कात की मखसूस रकम या मकदार को निसाब कहा जाता है। हाउ मनी तकबीर आर इन नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें हैं। 4 नमाज जनाजा में 4 तकबीरें हैं। विच वन इज़ कॉल्ड मशहरुल हराम। मशहरुल हराम किसे कहा जाता है। मुजदलफा वैली। मशरुल हराम मुजदलफा वैली को कहा जाता है। अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी यूज इन। ज़कात की रकम किस जगह में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। मॉस्क या मस्जिद में। मस्जिद में ज़कात की रकम इस्तेमाल नहीं की जा सकती। हु इज़ द फर्स्ट वूमेन मार्टियर्स इन इस्लाम। इस्लाम में पहली शहीद खातून कौन सी हैं। हज़रत समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस्लाम में पहली शहीद खातून हज़रत समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हु इज़ द फर्स्ट मैन मार्टियर इन इस्लाम। इस्लाम में सबसे पहले शहीद कौन है। हज़रत हारिस बिन अबी हाला। इस्लाम में सबसे पहले शहीद हज़रत हारिस बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। द फर्स्ट कंपेनियन टू रिसाइट कलमा इस्लाम अलाउड वाज। कलमा इस्लाम बुलंद आवाज से पढ़ने वाले पहले सहाबी का नाम हज़रत अबू ज़र गफारी। कलमा इस्लाम को बा आवाज़ बुलंद पढ़ने वाले पहले सहाबी का नाम हज़रत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। What is the rate of zakat on the product of non-irrigated land? गैर आबपाशी वाली ज़मीन पर ज़कात की शरह क्या है। 10% उशर के। 10% उशर। What is the rate of zakat on product of irrigated land? सहराब शुदा ज़मीन की पैदावार पर ज़कात की शरह क्या है। 20% उशर। 20% उशर। सहराब शुदा ज़मीन की पैदावार ज़कात की शरह है 20%। देयर वर डैश मैन इन द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ अब्बासी। हबशा की तरफ होने वाली पहली हिजरत में कितने मर्द शामिल थे। 11 हबशा की तरफ होने वाली पहली हिजरत में 11 मर्द शामिल थे। द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ कंपेनियन रिलेटिव ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वाज टू। यानी सहाबा कराम और उनके मुतलक उनके रिश्तेदारों की पहली हिजरत किस तरफ थी। मदीना या हबशा या मक्का की तरफ। इसका सही जवाब है अब्बासी या हबशा की तरफ। हबशा की तरफ मुसलमानों ने सबसे पहली हिजरत की। विच माउंटेन केव हिरा इज इन। वारे हिरा किस पहाड़ में वाक़ है। अन्नूर। वारे हिरा जिस पहाड़ में वाक़ है उसे अन्नूर कहा जाता है। द फ्रेज ऑफ सीक्रेट प्रीचिंग लास्टेड फॉर डैश ईयर्स। खुफिया तबलीग इस्लाम का मरहला कितने साल तक जारी रहा। 3 साल तक। खुफिया तबलीग इस्लाम का मरहला 3 साल तक जारी रहा। द फर्स्ट इनोवेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज़। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की क़यादत में पहला हमला कब हुआ। द इनोवेशन ऑफ अबवा आर्या वदान। पहला हमला जो रसूल सल्लम की क़यादत में हुआ वो अबवा के मकाम पर था। इसे इनोवेशन ऑफ अबवा आर्या वदान कहा जाता है। इन विच सूरा डस अल्लाह से वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और मदर्स ऑफ बिलीवर। अल्लाह ताला ने किस सूरत में फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। तो ये जिक्र सूरत अज़ज़हाब
सूरतुल अहज़ाब में आया है। अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब में फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। इन विच सूरा डज वाइफ, ठीक है, नमाज बाजमात इज़ हाउ मच बेटर देन इंडिविजुअल नमाज, नमाज बाजमात इनफरादी नमाज से कितनी अफजल है। 27 टाइम्स नमाज बाजमात इनफरादी नमाज से 27 गुना बेहतर है। वह नमाज वाज ऑर्डर, नमाज का हुक्म कब दिया गया। 27th रजब 10th नबी ऑन दी ओकेजन ऑफ मेराज, 27 रजब 10 नबी को मेराज के मौके पर नमाज का हुक्म दिया गया। दी बैटल वॉज फॉरबिडन इन अरब इन विच इस्लामिक मंथ, अरबों में जंग किस इस्लामी महीने में हराम करार दी गई। मुहर्रम, अरबों में जंग मुहर्रम के महीने में हराम करार दी गई। जिहाद वॉज ऑर्डेंड ऑन मुस्लिम थ्रू ए कुरानिक वर्सेज इन डैश में एक कुरानी आयात के जरिए मुसलमान पर जहाद का हुक्म आया। दूसरी आफ्टर हिजरी यानी दूसरी ही 2 हिजरी को ये हुक्म आया, जहाद का हुक्म हुआ, मुसलमानों पर जहाद फ़र्ज़ करार दे दिया गया। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।